क्षेत्र के हो आज सबसे पहले जो हमारे विधायक हैं सुभाष गांगुली जी, उन्होंने जो अपने यहाँ पर एक ऑफिस का, पॉलिटिकल ऑफिस का, राजनीतिक कार्यालय और अपने खुद के निवास का भी जो यहाँ पे एक मुहूर्त किया है, और उस अवसर पे सबको आज इन्होंने यहाँ पे एक भंडारे के रूप में सबको प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिला, तो मैं सुभाष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये एक ऐसे विधायक हैं जिनकी कार्यशैली से ना केवल सफ़ीदो हल्का मगर पूरे हरियाणा के अंदर जिनकी कार्यशैली की मिसाल दी जा रही है। सबका मान सम्मान करके, हर व्यक्ति की भावनाओं का आदर और सम्मान करके, अपने क्षेत्र में किस प्रकार से विकास की के लिए संघर्ष किया जाए, किस प्रकार से हर वर्ग की आवाज़ उठाई जाए हरियाणा विधानसभा में, आपने देखा भी होगा बार बार लाइव प्रोसीडिंग्स में भी, और हर सुख दुख में कैसे अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र को अपना परिवार मान के चला जाए। मैं ये मानता हूँ कि सफीदो क्षेत्र में शायद के इतिहास में शायद ऐसे जनप्रतिनिधि ये पहली बार अवसर मिला हो, और मैं हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ भाई साहब के साथ, सुभाष जी के साथ, कि वो अपनी इस कार्यशैली से वो आगे बढ़ें, सफीदों के हकों की आवाज़ उठाएं, और कंधे से कंधा मिलाकर हम उनके साथ हैं। सर, सत्ताधारी सरकार द्वारा आज महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ाई जा रही है, गैस सिलेंडर की बात हो तो उन पे क्या कहेंगे आप, जरा ये केवल मामला उठाने की कोशिश करेंगे। देखिए, गैस सिलेंडर की बात नहीं रही, केवल डीजल और पेट्रोल की बात ही नहीं रही, ये तो जनता को कैसे निचोड़ा जाए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 100 यूनिट से ऊपर बिजली का भी उन्होंने 25 पैसे बढ़ाने का काम किया है। हर रोज़ कोई ना कोई आप खबर ऐसे आपको अखबार में छपी हुई दिखाई देगी कि जनता की जेब पे कैसा और डाका डाला जाए। ये CNG की बात भी आपके सामने, तो ये सरकार जो हरियाणा सरकार ख़ास तौर पे, जिसको हरियाणा सरकार को एक सर्वे छपा था कि सबसे ज़्यादा महंगाई हर प्रदेश में, वैसे तो महंगाई पूरे देश में, लेकिन कौन से प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैट है डीजल पेट्रोल पे, रसोई गैस पे, कौन से प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा बिजली महंगी है, ये सारे मापदंडों के आधार पे उस पे हरियाणा नंबर एक पे पहुंचा है। तो बेरोजगारी के बाद महंगाई में भी हरियाणा नंबर एक पे पहुंच गया, ये मैं समझता हूँ ये उपलब्धि बताने के लिए मुख्यमंत्री शायद कल सफीदो आएँ, वो शायद ये बताएँ कि हमने बेरोजगारी में नंबर एक पहुँचा दिया, मैं महंगाई में नंबर एक पहुँचा दिया। और सफीदों के सामान्य अस्पताल में 13 पोस्ट डॉक्टरों की हैं, एक भी खाली, एक भी भरी हुई नहीं है। या तो इस हॉस्पिटल को किराए पर दे दें, किसी दूसरे मद में दे दें, या फिर इसको चलाना है तो कम से कम आधे, हम ये नहीं कहते हमारे 100% डॉक्टरों के पद भरे, कम से कम जितना दूसरी जगह है उससे भी आधा तो दे सकते हैं। जहाँ 50% देते हैं हमें 25% देते हैं, आप ये 80% देते हैं वहाँ 40% देते हैं। सही बात है, सफीदो अस्पताल के अंदर एक सिंगल डॉक्टर भी नहीं है, सिंगल डॉक्टर नहीं, पद खाली। जींद यूनिवर्सिटी के अंदर, आज जींद यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग आपकी प्रोफेसर पद की जो है रिक्त पड़ी है। ये उस समय यूनिवर्सिटी बनी थी, ये जो है आज हमारी सरकार के समय, आज ये स्थिति ये है कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर आपके शिक्षक नहीं है, स्कूलों के अंदर शिक्षक नहीं है। और अभी 134 ए की बात कोई भाई कर रहे थे, तो हमारी बहन जी कर रही थी, तो ये भी एक बड़ा भारी, इसमें भी हम कहना चाहते हैं कि ये 2007 में हुड्डा सरकार के समय लागू किया गया था,
कि गरीब के बच्चों को अच्छी पढ़ाई से कोई वंचित ना रहना पड़े। बच्चे जब छोटे हैं, भगवान की देन है, सब बराबर हैं। हम गरीब और अमीर में फ़र्क करें ऐसा क्या, हम ऐसी जो है प्रदेश बनाना चाहते हैं। और इसीलिए हर स्कूल के अंदर व्यवस्था हुई थी। आज प्राइवेट स्कूलों का जो पूरा दबाव इस सरकार पे है, क्योंकि इस सरकार में जुड़े हुए बहुत लोग प्राइवेट स्कूलों में ही शामिल हैं, आज फीस बढ़ाने की पूरी छूट, और फीस बढ़ाने की छूट के साथ साथ अब ये 134A को समाप्त कर दिया, गरीब बच्चों को दाखिला अगले सेशन से नहीं मिलेगा प्राइवेट स्कूलों के अंदर। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, सरकार उन गरीब बच्चों को अकेला मत समझे, ये मत समझे कि वो गरीब बच्चे हैं तो उनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, उनके साथ हम खड़े होंगे, गरीब बच्चों के हकों की लड़ाई लड़ेंगे। जिस सोच के साथ हुड्डा सरकार ने ये उसमें 2007 में लागू किया था कि गरीब के बच्चों को न्याय मिले, शिक्षा में बराबरी का अधिकार मिले, हम उस बात को ले और इसकी लड़ाई लड़ेंगे विधानसभा से लेकर संसद तक। इसके साथ साथ एक और मुद्दा आया, चंडीगढ़ का मुद्दा आया। चंडीगढ़ में एक गैर कानूनी और असंवैधानिक एक प्रस्ताव पंजाब विधानसभा ने पारित किया है, और बेवजह चंडीगढ़ की बात बहुत, मैं समझता हूँ बहुत लंबे समय के बाद चंडीगढ़ पे अपना की बात इन्होंने पंजाब ने उठाई है, वो असंवैधानिक है। मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाए, सभी सांसदों और विधायकों को लेकर प्रधानमंत्री जी के पास चले, राष्ट्रपति के पास चले, और केवल चंडीगढ़ ही नहीं, चंडीगढ़ में तो हमारा हक है, वो हमारी राजधानी है, थी, है और रहेगी, लेकिन साथ के साथ अब समय आ गया कि SYL का भी, ये जो विधानसभा पंजाब की विधानसभा कभी चंडीगढ़ पे कभी SYL के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ असंवैधानिक प्रस्ताव पास करती है, देश की सरकार अब इस बात का संज्ञान ले। हमारा अधिकार है कि हमें जो अपने अधिकार का पानी है, हम उससे ज़्यादा एक बूंद भी पानी नहीं लेना चाहते पंजाब से, लेकिन उतना अधिकार का पानी मिले। और ये पंजाब सरकार बेवजह दोनों प्रदेशों के भाईचारे बिगाड़ने के लिए चंडीगढ़ को जो बीच में लेके आई है, उनको ये पता होना चाहिए चंडीगढ़ का एक इंच का भी हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। नेता विपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक विधायक दल की बैठक बुलाई है सोमवार को इसी विषय पर, और सोमवार से संसद भी है, और संसद के अंदर भी मैं स्वयं इस विषय को उठाने का काम करूँगा। फैमिली आईडी के नाम पे जो भ्रष्टाचार चल रहा है, हर रोज मामले सामने आ रहे हैं, फैमिली आईडी में इनकम कम कर दी गई, कार्यकर्ता को भ्रष्टाचार है, पेंशन काट दी है, ये सरकार भ्रष्टाचार की नींव पे बनी है। आपको पता है कि ये जब 2019 में इनके 75 पार का नारे का हवा निकली और इनको मेजोरिटी नहीं मिली, 40 पे अटक गए, तो इन्होंने रातों रात समझौता एक ऐसी पार्टी के साथ किया जिसकी एक एक वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ी थी, लेकिन रात में समझौता किया, सुबह का 5,000 बुढ़ापा पेंशन पे हमने समझौता कर लिया, मगर वो 5,000 तो आज तक नहीं हुई। वो लूट की छूट पे समझौता था कि भाई तुम भी लूटो हम भी लूटेंगे, कोई शराब माफिया को के माध्यम से लूटेंगे, कहीं खनन माफिया के माध्यम से लूटेंगे, कहीं रजिस्ट्री माफिया के माध्यम से लूटेंगे, जिसका हम नहीं कह रहे, आप दादा गौतम से जाके पूछो, उनके विधायकों से जाके पूछो कि कौन कितना जी रहा है। तो ये लूट की छूट के आधार पे सरकार बनी है, तो ऐसी भ्रष्टाचार की नींव पे बनी हुई सरकार, क्योंकि इनको पता आगे इनका नंबर नहीं है, ये इनके दोनों के मंत्री लूटने में लगे हुए हैं, आज बेलगाम हुई भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, ये चाहे वो फैमिली आईडी की बात हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की बात हो। आज बेइंतिया खनन में आप देखो, हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई आज जो ये अवैध खनन में किसी ना किसी मजदूर की जान भी जा रही है, लेकिन फिर भी अवैध खनन निरंकुश चल रहा है। अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ था कल परसों दाडम क्षेत्र के एक नौजवान का, कि वहाँ पे इतना अवैध खनन चल रहा है कि वहाँ पे जो है खेती भी करनी मुश्किल हो गई वहाँ के आसपास के गाँव के लिए। तो ये स्थिति है हरियाणा के अंदर, बेरहमी से लूटा जा रहा है हरियाणा प्रदेश को, ये मैं समझता हूँ कि, और हरियाणा के युवा के भविष्य को चौपट किया जा रहा है। कई दिन पहले आप भी तमाम कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी से मिले थे, क्या हरियाणा में कोई बदलाव के संकेत हैं? ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस, क्योंकि मैं स्वयं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य हूँ, और ये मैं जवाब बार बार आपको देता हूँ, पिछली बार भी आपको दिया था कि मैं स्वयं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य हूँ, जो कांग्रेस पार्टी का हमारा जो है सर्वोच्च प्लेटफॉर्म है, पार्टी के अंदर की कोई भी बात हम उसी प्लेटफॉर्म पर रखना उचित मानते हैं। बाकी आप ठीक हो,
उस दिन आपको मैं बढ़िया चाय का न्योता देके गया था, आप नहीं आए। आप एक दिन आपको बजट के बारे में नवरात्रे की अच्छा हाँ एक हाँ एक हाँ एक नवरात्रे एक नवरात्र तो एक नवरात्रे की आज शुरुआत है, तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इस शुभ उपलक्ष्य पे, जो है माता रानी का आशीर्वाद आप पे, हम पे, हमारे प्रदेश पे, देश पे, सब पे बना रहे, ऐसी आज हमारी इस शुभ अवसर पे ही आज ये कार्यक्रम हुआ है। खिलाड़ियों की जहाँ तक बात है, ये सरकार इसकी खिलाड़ी विरोधी नीति कैसे, ये कुछ दे तो पा नहीं रहे, कैसे छीना जाए, कि जब मैंने जब शुरू में कहा कि भाई कुछ राहत नहीं दे रहे, हमारे समय ये आता था कि भाई कब SC और बैकवर्ड निगम के कर्जे माफ़ होंगे, कब किसान के कोऑपरेटिव के कर्जे माफ़ होंगे, कब बिजली के कर्जे माफ़ होंगे, कब जो है देश में सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल का वैट का दर हरियाणा में लगाया जाएगा, देने की बात होती थी, पैकेज दिए जा रहे थे। आज ये सरकार दे तो कुछ पा नहीं रही, कैसे लिया जाए, एक एक करके कैसे छीना जाए, जेब से कैसे पैसा निकाला जाए, बिजली सबसे महंगी कैसे की जाए, अब खिलाड़ियों को कैसे Class 1, 2 और 3 के अंदर नौकरी से कैसे वंचित रखा जाए, अभी तक लगाई नहीं इन्होंने, लगाई नहीं है, वो नीति भी ख़त्म कर रहे थे जो हमारे समय की नीति थी, वो तो ये पकड़े गए जब हुड्डा साहब ने विधानसभा में कहा, जो खेल मंत्री जी थे उन्हीं को कहा कि भाई आप कौन सी नीति के तहत भर्ती हुए थे, तो एक नीति थी पदक लाओ पद पाओ, देश में सबसे प्रसिद्ध नीति बनी, आज मणिपुर ने भी उस नीति का यूं का यूं नीति उसको लागू किया है और हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिला। लेकिन दुर्भाग्य से जब से सरकार बनी, हमारे समय में 750 से ज़्यादा खिलाड़ी इस नीति के तहत DSP, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और तमाम अलग अलग महकमों में नियुक्तियां हुई थी, 750 से ज़्यादा। इन्होंने इस नीति को धीरे धीरे कमज़ोर किया, इसको लागू नहीं किया, यहाँ तक कि पिछली ओलंपिक की हमारी विजेता साक्षी मलिक, इस ओलंपिक की तो अब अभी नंबर ही नहीं पड़ा है, पिछले ओलंपिक की यानी कि आप समझे 5 साल हो गए उनको, 5-6 साल, वो आज तक अपनी नियुक्ति इंतजार कर रही है, पिछली ओलंपिक की अकेली विजेता थी। तो कहने का मतलब इस नीति को दोबारा से लागू किया जाए, इन्होंने आज ये कदम तो पीछे हटाए हैं, कहा कि अब हम लागू करते हैं, लेकिन उसको लागू भी करो। और मैं खिलाड़ियों को, प्रदेश के खिलाड़ियों को कहना चाहता हूँ, प्रदेश की खिलाड़ियों की हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, अगर ये सरकार समय से इस नीति को लागू करके जो पिछले 6 साल में जितने 7 साल में जो प्रतियोगिताएं हुई हैं, खिलाड़ी जो मेडल लेके आए उनको नियुक्तियां दे, नहीं तो उन खिलाड़ियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आने वाले समय में लोगों के आशीर्वाद से सत्ता परिवर्तन यदि होता है, हमें अवसर मिलता है, तो इस दौरान के BJP सरकार के, JJP सरकार के दौरान के जितने भी खिलाड़ी मेडल लेके आए हैं पुरानी नीति से, उनको अपनी उस हिसाब से हम नियुक्ति देने का काम करें। नेताओं से जब रोजगार की बात करते हैं, दीपेंद्र जी वो कहते हैं कि हम हाईवे निकाल रहे हैं, अपने आप लोग मिस्त्री का काम शुरू कर लेंगे, दूसरे काम शुरू कर लेंगे। देखिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश, और कल मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आएंगे, आप उनसे भी पूछना, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये एक तो नीति आयोग कह रहा है, पहले तो नीति आयोग की स्लैब है, नीति आयोग ने जो भारत सरकार का है, मोदी सरकार का है, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई 3 जो सबसे भयावह स्थिति हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और हरियाणा। आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप टापू हैं, वहाँ की स्थिति और हमारी स्थिति का कोई तुलना नहीं की जाए, हम तो दिल्ली के नज़दीक है। दूसरा CMI, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो आप कल मुख्यमंत्री से जरूर सवाल पूछना, लगातार पिछले 20-21 महीने से हर महीने का डेटा आता है, हरियाणा देश में ना सिर्फ बेरोजगारी में सबसे आगे, मगर हरियाणा देश के औसत से दुगना है बेरोजगारी में, क्योंकि ना सरकारी नौकरी मिल रही, ना कहीं कोई औद्योगिक निवेश हो रहा, ना कोई IMT बनाई, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र बनाया, कहा कि हम एक्वायरी नहीं करेंगे, ना कोई थर्मल का कारखाना लगाया, हमारे समय कहीं थर्मल का लग रहा था, कहीं परमाणु का कारखाना लग रहा था, कहीं IMT बन रही थी, कहीं यूनिवर्सिटीज़ बन रही थी, निवेश हो रहा था। आप एक नहीं, मैं आपको एक सेकंड मैं इसको हाँ मैं एक और अभी इस पर आप अपना कंप्लीट कर लूँ फिर आपसे, मैं मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो CMI का जो डेटा है हम उस डेटा को नहीं मानते, हम उनको नोटिस देंगे कि आप हरियाणा को, ये मैं मुख्यमंत्री जी से ये सवाल पूछ रहा हूँ, ये वही डेटा है जिसके आधार पर, क्योंकि मैं UP में रहा चुनाव में, प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी हर सभा में कहते थे कि CMI के अनुसार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 5% बेरोजगारी दर घटाया, और बड़े बड़े होल्डिंग भी लगे हुए थे, अखबारों में इश्तिहार भी छपते थे, डबल इंजन सरकार UP की,
और उसमें CMI के अनुसार और उसी लिस्ट में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में बढ़ी हुई। तो ये क्या वहाँ पे इनको मानते हैं रिपोर्ट को और यहाँ नहीं मानते? तो वो सही हैं मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं CMI गलत है, या मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ठीक है? तो इस बात का बताए अपनी जो सरकार की विफलता है उसको स्वीकार करें मुख्यमंत्री जी, और इस दिशा में बताएं क्या रूपरेखा, क्या रोड मैप है, कहाँ इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, क्या इन्होंने नया इन्वेस्टमेंट तो छोड़ो पुरानी इन्वेस्टमेंट भी ले गए। जो हमारी रेल कोच फैक्ट्री थी आपको पता है वो ले गए, एयरपोर्ट आना था जो मंजूर शुदा हमारे समय के थे वो भी ये नहीं इन्होंने पूरे नहीं कराए। इम्पोर्ट जो है वो डबल हो चुका है, इसमें कोई दो इरादे नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रहा है। ये ठीक है ना सर, कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं एक MBA के स्टूडेंट है? नहीं, इसका लगातार आप ये केवल पिछले एक दो साल से नहीं, लगातार पिछले 5-6 साल से एक्सपोर्ट लगातार कम हो रहा है। और ये मैंने अपनी बजट की स्पीच में भी मैंने कहा था, आपने सुनी होगी वो बात, कि मेक इन इंडिया का नारा लेकिन एक्सपोर्ट में निरंतर घटोतरी। तो ये तो जो है देश के, केवल हरियाणा की बात नहीं, देश के युवा के साथ। अभी चाइना पे जब संकट आया तो बहुत सी इंडस्ट्री चाइना से बाहर मूव कर रही थी, ज़्यादातर वियतनाम और थाईलैंड चली गई, यहाँ तक कि बांग्लादेश के अंदर। तो हमारे देश में लानी चाहिए थी। आप थोड़ा उदाहरण माना, ये जो IMT खाली पड़ी है, जैसे खरखौदा वाली IMT मारुति की फैक्ट्री आनी थी वहाँ 2013 से, अभी तक 10 साल हो गए, 9 साल हो गए, आज तो खाली खाली पड़ी। तो खैर हाँ, तो फिर बड़ौदा के अंदर हाँ भरी थी, अब खैर वो तो अब कल यहाँ भी भर जाएंगे। हाँ महावीर कंप्यूटर जी आपके पीछे खड़े हैं और व्यापारियों को लेकर मामले का। सर पंजाब में जो सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, हरियाणा में चर्चाओं में चल रही है, कैसे रोक पाएंगे? देखिए इसमें मैं बताऊँ आपको, हर प्रदेश और हर चुनाव के समीकरण अलग होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव में 10-10 BJP जीती, 75 पार का नारा था, लेकिन 3 महीने के अंदर उन्हीं लोगों ने BJP को लगभग हराने का काम किया। दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी के 67 विधायक जीते, लेकिन दिल्ली लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो आम आदमी का कोई कैंडिडेट BJP के कैंडिडेट से 3 लाख भी नज़दीक नहीं पहुँचा। हम तो यहाँ पर आपको पता है कि हरियाणा के अंदर तो इतनी स्थिति, लोकसभा में अलग था विधानसभा में, ऐसे ही प्रदेश सरकारों का अलग होता है। आज आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में कर्नल कोठियाल को डिक्लेयर किया, सारी सीटों पे उम्मीदवार उतारे, एक की जमानत नहीं बची। उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पे उम्मीदवार खड़े करे, एक की जमानत। मैं अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूँगा, मैं नोएडा की बात करूँगा, नोएडा दिल्ली की, चूँकि तीनों तरफ नोएडा है, उसमें केजरीवाल जी ने रोड शो लगाया, दिल्ली के कई विधायकों को नोएडा में लगाया, मंत्रियों को लगाया, ड्यूटी लगाई, संजय सिंह जी विधायक सांसद की ड्यूटी थी, मेरे साथ अच्छे दोस्त थे, काफ़ी रोड शो में आदमी भी थे नोएडा में, जब इन्होंने नोएडा में रोड शो करे। लेकिन जब नतीजा आया तो 6 लाख वोटों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें 1200 वोट आम आदमी कैंडिडेट के आए। तो कहने का मतलब कि हर चुनाव, क्योंकि वहाँ जहाँ वहाँ चुनाव में मुकाबला, हर चुनाव अलग, हर प्रदेश की स्थिति अलग रहती है। अगर दिल्ली का मॉडल होता तो दिल्ली का मॉडल पहले जो है सभी दो आंसर पर नोएडा पहुंचता, हाँ समझ रहे हैं, लेकिन वहाँ मुकाबला जो है समाजवादी पार्टी का और भाजपा का था। हरियाणा प्रदेश की जहाँ तक बात है, हरियाणा का एक ही समीकरण है, हरियाणा में लोग सकारात्मक विपक्ष के रूप में चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को देखते हैं। 10 साल का जो कार्यकाल रहा जिसमें हरियाणा विकास के मामले में आगे गया, उस कार्यकाल को याद करते हैं, और जो हर वर्ग के हकों की लड़ाई लगातार, चाहे वो कर्मचारियों का आंदोलन हो, आशा वर्कर आंगनवाड़ियों का वर्कर हो, चाहे किसान आंदोलन हो, हर वर्ग के हकों की लड़ाई में जो जिस तरीके से लड़ाई हुड्डा साहब के नेतृत्व में हम सब कांग्रेस पार्टी लड़ती है, तो आज सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में कोई है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी है, और लोग सकारात्मक विकल्प के रूप में भी कांग्रेस पार्टी को हुड्डा साहब के नेतृत्व में देखते हैं। ये ले लो कि क्योंकि ये सरकार में कानून व्यवस्था विफल हो चुका है। आपको पता है कि कानून व्यवस्था में भी देश में सबसे विफलतम सरकार मानी जा रही है खट्टर सरकार। ऐसे में सफ़ेदों में बहुत सी फिरौतियों की बात आई। आप लोगों ने, मैं स्वयं आपके बीच में आता था, आप हमेशा मेरे से पूछते थे कि भाई, तो ऐसे में इन्होंने यहाँ पर अपना कार्यालय और ऑफिस यहाँ पर मंडी के बीचों बीच, रिहायश भी और निवास स्थान, रिहायश भी ये यहीं रहेंगे, क्योंकि सरकार इस चीज़ में विफल हो चुकी है।
ये कम से कम सुरक्षा की भावना हमारे सफ़ीदो शहर के व्यापारी वर्ग के जो है सभी में एक अपना एक 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 जो है डट के बीच में खड़े होकर आज ये उस लाइन में भी मैं समझता हूँ सुभाष जी का जो फैसला है। आज सबसे पहले तो मैंने सफ़ीदो विधान ये जो हिंदू नववर्ष है उसके उपलक्ष्य में हमने अपने इस कार्यालय का दीपेंद्र हुड्डा जी के हाथों से इस कार्यालय का उद्घाटन करवाया है, शुरुआत करवाई है। नौ वर्ष की का पहला दिन था और बहुत ही शुभ दिन था, इसलिए हमने इस दिन को चुना। और वैसे तो मैंने चुना तो 3 तारीख था, लेकिन मुख्यमंत्री जी की जनसभा होने के कारण मैंने इसको एक दिन पीछे करके इस जो उद्घाटन जो समारोह था इसको पहला नहीं हिंदू वर्ष का पहला साल पहला दिन भी है, नए साल का पहला दिन है तो इसके ऊपर। कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो आपने कई विधानसभा में मांगे उठाई नहीं है? मैंने लगभग 500-600 करोड़ की मांगे जो सफ़ीदो विधानसभा क्षेत्र के लिए ज़रूरी थी, जैसे डॉक्टरों की कमी, मास्टरों की कमी, कर्मचारियों की कमी, इस सारी की सारी चीज़ों की विधानसभा के पटल पर मुख्यमंत्री जी को पूरे हाउस के सामने मैंने एक ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन के माध्यम से मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी ये ज्ञापन देता हूँ, आप 3 तारीख को वहाँ आएंगे तो ये सारी की सारी मांगें सफ़ीदो विधानसभा जी की पूरी करने का काम करना, मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँगा और आपकी पूरी प्रशंसा करूँगा। दीपेंद्र कारगर साबित हो।